तन्वी सूद, सलमान खान की फिल्म हो और उसमें सलमान का राज ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लीजिए सलमान की अपनी मनमानी करने की वजह से उनके हाथ से धूम फूट जैसी बड़ी फिल्म निकल गई है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि धूम 4 में सलमान की जगह अब शाहरुख खान नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूम 4 के लिए आदित्य चोपड़ा की पहली पसंद सलमान खान ही थे। खबरों की माने तो आदि ने सलमान को धूम 4 में नेगेटिव रोल प्ले करने का ऑफर दिया था, लेकिन सलमान ने बिना कुछ सोचे समझे इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल सलमान ने कभी भी नेगेटिव रोल करना पसंद नहीं किया है, वो हमेशा से मानते आए हैं कि उनकी फिल्म देखने पूरा परिवार आता है। यदि सलमान ने ग्रे शेड वाले किरदार निभाए तो उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही उनके फैंस को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सलमान चाहते थे कि धूम 4 में नई कास्ट नजर आए, जबकि आदित्य फिल्म में अभिषेक और उदय चोपड़ा को ही कास्ट करना चाहते हैं। ऐसे में सलमान की डिमांड पूरी नहीं हो पाई और आदित्य ने सलमान को धूम 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेल, देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सलमान की जगह आदित्य शाहरुख के नाम को धूम 4 के लिए कंफर्म करते हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि धूम 4 का ऐलान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पोस्टर रिलीज होने के साथ किया जाएगा। वैसे आप धूम 4 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।